हेलो, अभी मैं आपको फर्स्ट ईयर 2 BHK का फ्लोर प्लान दिखा रहा हूँ। 72 वेस्ट सेठ डेवलपर का आप स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर देख सकते हैं, समझ सकते हैं यूट्यूब से। एक्चुअल फ्लैट देखते हैं 2 BHK का किस टाइप का है। ये इसका डाइनिंग एरिया है और इस तरफ इसका लिविंग एरिया है। आप देखते हैं बहुत ही लग्जरियस स्टाइल में बना रहे हैं। ये लगभग 783 स्क्वायर फुट का इसका कारपेट एरिया है। आज 72 वेस्ट के बारे में जानेंगे। सेठ डेवलपर हैं ये, इनके भाई हैं जिन्होंने और इस सरेंटी डेवलप किया है, सेठ क्रिएटर। तो दोनों भाइयों के अलग अलग कंपनी हैं। ये इसका किचन है, 2, 3 और 4 BHK तीन टाइप की प्रॉपर्टी बना रहे हैं। 39 स्टोरी टावर है, 39 माले की बिल्डिंग है ये। हमने किचन देखा, किचन से जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इसका कॉमन वॉशरूम मिलता है। अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आपको दिया जाएगा, वो जब आप एक्चुअल प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए आएँ तो हम समझा देंगे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे। अभी मैं लेके चलता हूँ, इसका दोनों बेडरूम दिखाता हूँ। वैसे भी सेठ डेवलपर हो या सेठ क्रिएटर हो, इनकी प्रॉपर्टी की जो फिनिशिंग है ना, बहुत कमाल की होती है। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी बनाते हैं ये, क्योंकि ये एक्सपीरियंस डेवलपर जो होते हैं ना, इनको पता होता है कि पब्लिक को क्या बेस्ट में बेस्ट करना है। आगे के प्रोजेक्ट में उनको फ्लैट बेचना है तो उसके लिए जो करंट प्रोजेक्ट में क्या अच्छे से अच्छा बना के देना है, तो इन चीज़ों को जो एक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं बहुत ध्यान देते हैं दोस्तों। ये इसका कॉमन बेडरूम है, कॉमन बेडरूम, गेस्ट बेडरूम, किड्स बेडरूम, अलग अलग नाम से आप बोल सकते हैं। बिकॉज जनरली ये समझ लें, मास्टर बेडरूम कॉमन बेडरूम में फ़र्क ये होता है कि इसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं होता। ये इसका मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम में अटैच्ड वॉशरूम रहता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ तो आप समझ पाएंगे। ये बेडरूम आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा स्पेसियस बेडरूम है ये। ये बाहर आपको एक्स्ट्रा छज्जा मिल रहा है, ऊपर के जो फ्लोर्स हैं उसमें थोड़ा कम छज्जा मिलेगा आपको, थोड़ा छोटा छज्जा मिलेगा। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फर्स्ट लेवल यानी कि फोर्थ फ्लोर इसका फर्स्ट लेवल आता है। 3 लेवल तो इसका पोडियम पार्किंग है, उसके नीचे इसका बेसमेंट पार्किंग है। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। बाकी इस प्रॉपर्टी में डिस्काउंट क्या है, स्कीम क्या है, ऑफ़र क्या है, उसके लिए आप हमें फ़ोन करें तो हम फ़ोन पे बताएंगे। किसी भी बिल्डर के हायर मैनेजमेंट से ये अलाउ नहीं रहता है फाइनल प्राइस अनाउंसमेंट करना। और बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं प्राइस और प्रोजेक्ट की डिटेल तो डाल दूंगा। ये हमने 2 BHK देखा, अभी हम देखते हैं इसका 3 BHK किस टाइप का है। पहले तो मैं 3 BHK का फ्लोर प्लान दिखाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर समझ सकते हैं। इसका 1185 1185 स्क्वायर फुट इसका कारपेट एरिया है। और अभी एक्चुअल फ्लैट देखते हैं किस टाइप का है। सामने इसका डाइनिंग एरिया है और ये ह्यूज आप देख सकते हैं। इसका लिविंग एरिया बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया बनाया हुआ है, और इतना बड़ा हॉल होने के बावजूद भी करीबन 5 से 6 फुट का आपको एक एक्स्ट्रा बालकनी भी दिया हुआ है यहाँ पे। और पूरा ये बिल्डिंग इसका ही पार्ट है, पोडियम का और एमिनिटीज़ का। अब जैसे आप लिविंग डाइनिंग में एंट्री करते हैं ना, ये विंडो के साइड से मैं डाइनिंग का व्यू आपको दिखा रहा हूँ। अब आप वहाँ से जब आप एंट्री करते हैं उधर से, तो पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट मास्टर बेडरूम मिलता है। मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही आपको कॉमन वॉश मास्टर बेडरूम का वॉशरूम मिलता है।
ये 3 BHK है, इसमें 2, 3 और 4 BHK तीन टाइप का फ्लैट है ये। ये फ्लैट पूरी तरह से आप देख लें, समझ लें, उसके बाद आप ख़रीदने के लिए हमें फ़ोन करें। बेसिक इनका आस्किंग प्राइस, बिटवीन प्राइस तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, बट एक्चुअल प्राइस मैं आपको फ़ोन पे बताऊंगा। फ्लैट ख़रीदना हो, प्रोजेक्ट का डिटेल भी जानना हो तो भी आप हमें फ़ोन करें। ये तो मैंने आपको मास्टर बेडरूम पहला दिखाया, इसके बाद ये इसका लिविंग डाइनिंग यानी हॉल हो गया, इसके बाद और किचन, कॉमन वॉशरूम, 2 बेडरूम, देखते हैं किस टाइप का है। हॉल से आप आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा सा ह्यूज किचन मिलता है, स्टार्ट में आपको फ्रिज का स्पेस मिलता है और एंड में देखें तो आपको वॉशिंग मशीन का जगह मिल रहा है। ये इसका सर्विस प्लेटफॉर्म है, इस तरफ आपको गैस प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इसमें इन्होंने वास्तु का बहुत बढ़िया ख्याल रखा है, ये आप देख सकते हैं। किचन के आगे इसका कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है, जब आप किचन से आप आगे आते हैं तो यहाँ से आपको कॉमन वॉशरूम की एंट्री मिलती है। तो किचन के सामने एग्जैक्ट वॉशरूम इसका नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा वास्तु के हिसाब से माना जाता है। ये एक्स्ट्रा एक स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो हर एक फ्लोर पर आपको मिलने वाला है, वो डिपेंड करता है, फ्लोर टू फ्लोर है। सारे ब्रांडेड एसेसरीज है इसके। ये इसका कॉमन वॉशरूम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर के 2 बेडरूम और दिखाता हूँ। ये इसका कॉमन बेडरूम है, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग एसेसरीज भी सारे ब्रांडेड इन्होंने इस्तेमाल किया है। वैसे भी सेठ और इस सरेंटी आप देखें तो मलाड़ का टॉलेस्ट टावर इन्होंने बनाया है, इनके ग्रुप ने, इनके ब्रदर हैं सेठ क्रिएटर, ये हैं सेठ डेवलपर, तो दोनों के कंपनी के नाम में फ़र्क है, बट ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे और एक्सपीरियंस डेवलपर हैं, तो ये जानते हैं कि इनके कस्टमर्स को क्या चाहिए। ये हमने इसका कॉमन बेडरूम देखा, पहले इसका मास्टर बेडरूम, अब दूसरा थर्ड इसका तीसरा मास्टर बेडरूम देखते हैं किस टाइप का है। ये मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही फर्स्ट आपको राइट हैंड साइड पे ये इसका देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा स्पेसियस, यहाँ पे आप बाथ टब बना सकते हैं। कैमरे के वाइड एंगल से मैं जितना कवर कर पा रहा हूँ बता रहा हूँ, काफ़ी ब्रॉड जगह दिया हुआ है, यहाँ पे आप इजली एक बाथ टब बना सकते हैं, इतना तो स्पेस इन्होंने दिया हुआ है दोस्तों। अभी मैं आपको मास्टर बेडरूम का स्पेस दिखाता हूँ। ये इसका मास्टर बेडरूम है, इतना ह्यूज लग्जरी प्रोडक्ट बहुत कम बनता है, बाकी तो अफोर्डेबल में भी मेरे चैनल पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये लग्जरी सेगमेंट में ये प्रोजेक्ट आता है, 72 West बाय सेठ डेवलपर। ये मैंने आपको 2 and 3 BHK दिखाया, 4 BHK का सैंपल नहीं है, 4 BHK का फ्लोर प्लान मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में एंड लास्ट में। ये हमने 2 और 3 BHK का देखा। और कुछ आप जानना चाहते हैं डिटेल, वैसे तो मैं प्रोजेक्ट का डिटेल डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करें हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे। और फ्लैट ख़रीदना भी हो, बुकिंग भी करना हो तो भी आप हमारे फ़ोन करें, मैं और हमारी टीम क्या इसका डिस्काउंट है, क्या इसका फाइनल प्राइस होगा, वो सब कुछ, स्कीम क्या है, वो सब कुछ साथ में ऑफ़र के साथ में आपको बुकिंग करा के देंगे दोस्तों। हम लोग बिल्डर के पेरोल पे काम करते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है। और बिल्डर के पास जब आप जाते हैं फर्स्ट टाइम तो हमारे जो टीम है उसके साथ में जाएं, तभी हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे। ये तो मैंने आपको फ्लैट दिखाया है और ये इसका स्टेयरकेस है, ये पूरा इसका पैसेज है।